आज की वीडियो में जानेंगे हिरोशिमा और नागासाकी के बारे में। क्या हुआ था दिन जब अमेरिका ने न्यूक्लियर बॉम्ब गिराए थे, 6 अगस्त 1945 को और 9 अगस्त 1945 को जब न्यूक्लियर बॉम्ब गिराए तो क्या हुआ था। आज से पहले ना, जब मैं बात करूँ आज से 75 साल पहले, जब तक न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं गिरा था तो कोई भी नहीं जानता था कि न्यूक्लियर बॉम्ब क्या होता है। जिस दिन न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा 6 अगस्त 1945 को सवा 8 बजे, तो लोगों को ऐसा लगा कि सूरज फट गया है। मतलब आप ये सोचो कि इतना कितना भयंकर प्रलय आ गई होगी, कितना कोहरा होगा कि तांडव मचा होगा, जगह जगह लाशों के ढेर लग गए, जहाँ जाओ नदियों में लाशें, पानी में लाशें, ज़मीन में लाशें, लाश खूनम खून, जगह जगह लोग बहुत बुरी तरह मारे गए। हुआ क्या, देखो सबसे पहले हम चलते क्या हुआ। सबसे पहले हम बात करते हैं हिरोशिमा की। हिरोशिमा एक जगह है हमारी जापान में, जो क्या राजधानी है टोक्यो, उससे 800 किलोमीटर दूर जगह बनती है हमारी एक हिरोशिमा, है ना। तो 6 अगस्त 1945 की जो सुबह थी, 8:15 पे इन्होंने न्यूक्लियर बॉम्ब फेंक दिया। अब उस बॉम्ब को आने में लगे, देखो ऊपर से नीचे आने में लगे 43 सेकेंड, बहुत इंपॉर्टेंट है ये डाटा, 43 सेकेंड लगे उसको नीचे आने में, और टेम्परेचर बढ़ा दिया उसने 4000 डिग्री सेंटीग्रेड। आप सोचो 4000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ा दिया। पावर उसकी बात बताऊं, 12500 टन TNT होता है ट्राइनेट्रोटोलिन, ये एक्सप्लोसिव की क्वांटिटी कितने स्ट्रेंथ का डिटेक्ट करता, इतनी ज़्यादा थी। इंस्टेंटली 80,000 लोग तो हाथों हाथ मर गए, मतलब उनको संभलने का मौका ही नहीं मिला, एकदम मर गए। और टोटल में अगर आपसे बात करूँ, टोटल कैजुअल्टी 1,92,000 लोग मारे गए। बहुत विध्वंसक दिन था, बहुत भयानक दृश्य था। अच्छा, इनके जिस बॉम्ब का नाम इन्होंने रखा, देखो लिटिल बॉय, बॉम्ब का नाम सुनो, लिटिल बॉय, लिटिल बॉय मतलब छोटा लड़का, छोटा बच्चा। इस छोटे बच्चे ने इतने सारे लोगों की जान ले ली। अब आप इनके देखो एक आयरनी, आप देखो कि इनके बॉम्ब का नाम क्या है, लिटिल बॉय, छोटा बच्चा, और यहाँ इनके बॉम्ब का दूसरे बॉम्ब का नाम है जो दूसरा बॉम्ब फेंक के मारा था, फैट मैन। यार इन्होंने पूरे इस प्रोजेक्ट पे ना, ये पूरे बॉम्ब बनाने के प्रोजेक्ट पे इन्होंने लगाए 13,300 करोड़, और मैं अगर अमेरिका के इसमें बताऊँ तो $2 बिलियन उस जमाने के 13,300 करोड़ रुपए लगाए इन्होंने दो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने पे, ठीक है। और नाम क्या रखे, लिटिल बॉय और फैट मैन। जब 13,300 करोड़ खर्च कर लिए थे भाई, तो 200 रुपये देके हमारे घनश्याम पंडित से, इंडियन पंडित जी से कोई अच्छा सा नामकरण भी करा लेते। इनके नाम देखे, लिटिल बॉय और फैट मैन। तो ये लिटिल बॉय की कहानी किस तरह से हुआ, देखो। अब एक इम्पॉर्टेंट बात और रखनी, मेन आपको एक प्लेन का नाम भी रखना है, जिस प्लेन से वो बॉम्ब को लेके आए थे उसका नाम था इनोला गे। बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि भाई किस प्लेन से लेके आए थे, उसका नाम क्या था, इनोला गे। अब चलते हम दूसरा लेटर नागासाकी में। उसी के 3 दिन बाद नागासाकी में 9 अगस्त 1945 की 11:02 पे इन्होंने दूसरा न्यूक्लियर बॉम्ब मारा। अब स्टार्टिंग में इनका टारगेट नागासाकी नहीं था, जहाँ भी इनका टारगेट था वहाँ गए, तो वहाँ पे इन्होंने देखा क्लाउड वगैरह बहुत थे, और मौसम की वजह से ना इन्होंने टारगेट बदल दिया। गाना भी है मौसम की तरह, तुम बदल दो ना जाओ कि, तो मौसम की वजह से इन्होंने क्या है टारगेट बदल दिया, टारगेट शिफ्ट कर दिया इन्होंने कहाँ पे, नागासाकी में। तो इस बॉम्ब का नाम था फैट मैन, और इसको देखो नीचे आने में लगे 52 सेकंड। प्रॉपर नीचे नहीं आया, पृथ्वी की सतह से 500 फीट ऊपर जाके रह के ये फट गया, और इसमें 70,000 पीपल टोटल लोग मारे गए, और 40,000 तो एकदम ही मर गए। जैसे ही बॉम्ब फटा 40,000 जितना एरिया सब साफ हो गया। अब इसका वेट देखो आप, इसके नाम से ही पता लग रहा है, इसका नाम ये फैट मैन रखा है इन्होंने, है ना। और इसका वेट कितना देखो, 4,050 किलो का ये बॉम्ब था। अब आप सोचो यार कि किसी बॉम्ब के 4,050 किलो वजन का बॉम्ब तो कैसा भयंकर रहा होगा, ठीक है। इसकी कहानी देख ली। अब जिस प्रोजेक्ट पे ये काम कर रहे थे उस प्रोजेक्ट को नाम दिया गया, बॉम्ब बनाने से पहले की कहानी है कि इन्होंने कई दिनों से प्लान करा होगा, क्योंकि वर्ल्ड वॉर का टाइम चला था, और उन्होंने इस प्रोजेक्ट को नाम दिया मैनहट्टन प्रोजेक्ट। अब इस प्रोजेक्ट में आप सोचो 1,30,000 लोग काम कर रहे थे दो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के, 1,30,000, इतने ज़्यादा लोग काम कर रहे थे। और जब बॉम्ब पहला एटम बॉम्ब फट गया, न्यूक्लियर बॉम्ब फट गया, तो उसके बाद 17 लोगों को नोबेल प्राइज़ दिया गया, जो साइंटिस्ट काम करेंगे, जो प्रोफेसर काम करेंगे, उनमें से 17 लोगों को नोबेल प्राइज़ मिला। नोबेल प्राइज़ आपको पता होगा अलग अलग कैटेगरी के लिए मिलता है, फिजिक्स के लिए पी मिलता है, केमिस्ट्री के लिए मिलता है, पीस के लिए मिलता है। तो यहाँ तो पीस की तो दूर तक बात नहीं,
नोबेल प्राइज मिला किस चीज़ के लिए? फिजिक्स के लिए। और जो वहाँ के जो राष्ट्रपति थे उस टाइम पे, उनका नाम था हैरी एस ट्रूमैन। उन्होंने रेडियो पे आके संदेश दिया कि देखो हमारा जो ऑपरेशन था सक्सेसफुल रहा। और फिर उन्होंने उसके बाद, उसके 3 दिन बाद दोबारा दूसरा न्यूक्लियर बम मारा। और उन्होंने फिर जापान को धमकी दी कि अगर आप सरेंडर नहीं करोगे, आत्मसमर्पण नहीं करोगे, तुम और भी जगह, कई जगह तुम्हारे ठिकाने पे न्यूक्लियर बॉम्ब मारेंगे। अब 2 न्यूक्लियर बॉम्ब खाने के बाद तो यार उनकी हालत वैसी नहीं रही, क्योंकि ना इतना भयंकर होता है न्यूक्लियर बॉम्ब कि उसका असर आज तक देखा जाता है। मतलब आज देखो 70-75 साल तक भी लोग तिल तिल कर मर रहे हैं। अभी किसी के हाथ नहीं है, किसी का पैर नहीं है, किसी की बॉडी गल रही थी, कोई बीमारी आ रहा है, क्योंकि रेडिएशन खराब करते हैं। न्यूक्लियर बॉम्ब होता है नॉर्मल बॉम्ब से बहुत अलग होता है। नॉर्मल बॉम्ब तो फटा जो मर गए ठीक है, कई कई सालों तक नहीं मरेंगे। अब उससे कई कई सालों तक बच्चे देखो अपंग पैदा हुए, और जब इवन इसके आफ्टर की बात करूं तो कई लोगों के बाल जो बच भी गए थे उनके बाल खत्म हो गए, किसी के हाथ नहीं थे, किसी के पैर नहीं थे, कि बहुत तकलीफों में जिए। और आज तक ना अमेरिका ने इस चीज़ के लिए कभी माफ़ी भी नहीं मांगी जापान से कि भाई हमने ऐसा कोई गलत काम किया। उनका क्या स्टेटमेंट है कि यार हमने जो भी करा ना, हम अगर हम नहीं करते तो पहली बात तो वर्ल्ड वॉर ख़त्म नहीं होता, और वर्ल्ड वॉर ख़त्म नहीं होता तो और लोग मारे जाते, और प्लस अमेरिका के वो जो सोल्जर थे वो भी मारे जाते। और दूसरी बात उन्होंने कही कि अगर हम ये ख़त्म नहीं मारते तो और कंट्रियाँ भी जापान की धरती पे आती और ब्लडशेड होता। तो उन्होंने कहा ये जो हमने करा है, ये जो भी करा है, इसको मानवता के बचाने के लिए करा है। और अभी आपने देखा होगा, और कई सालों तक ना कोई भी राष्ट्रपति यहाँ पे अमेरिका में, यहाँ हिरोशिमा नागासाकी नहीं गया। कुछ सालों पहले बैरक ओबामा गए यहाँ पे, और उन्होंने भी जापान से कभी माफ़ी नहीं मांगी। इस वीडियो में बेटा इतना ही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे कुछ नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ।